मैं सोच रहा था, मैं मेरे को उस पे बैठाओ ना सीट पर, उस पे वो पट्टा सा रख के उसके ऊपर उसके ऊपर बैठा बिठा देते हैं। मैं भी बैठ देख लो गाइस, भाई साहब देख लो इसकी। गुड मॉर्निंग। दिस इज मीपू दोस्त। पर डर गई, इतनी जोर से इतना बड़ा कीड़ा कहां से आ गया? सोले सोले थोड़ी देर और सोले। सोले 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और 8 बजे से पहले मैं देखो सारा सामान लेकर आ गया हूँ। मैं अपने लिए दूध लाया हूँ, ब्राउन ब्रेड लाया हूँ और चुकुम्बर। और ये दोनों बच्चे आज पहली बार 8:30 बजे उठी हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा उधम कर दिया। कहाँ पेन हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, मुंडी जोड़ के सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। कल क्या बोल रही थी? मेरे सिर्फ लेग्स में दर्द हो रहा है, मेरे एक्सरसाइज का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे वो सो के उठी तो मेरे हर जगह दर्द हो रहा है। तो अभी ये लोग नहाएंगे धोएंगे, तीनों नहाएंगे, इतने में ही 11 या 11:30 बज जाएंगे आराम से। तो मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर। गुड नाइट गाइस, सोऊंगा बाद में, पहले पीनट बटर और ब्रेड खाली जाए क्योंकि भूख लग रही, थोड़ी देर सो जाऊंगा अच्छे से। इसमें चॉकलेट पीनट बटर, इसमें है नॉर्मल पीनट बटर। अब वो वेट कर रही है कि मैं वहाँ से कब जाऊँ और वो वॉशरूम यूज़ करें। हाय यशी, जाना ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले हैं। अब ये लोग सब नहा कर निकले हैं, सबके सब, सबसे लास्ट में अभिषेक नहाया है। 12:30 बजे, देखो मैंने 8:30 बजे आपको बताया था, 12:30 बजे थे इन्होंने नहाने धोने में। आपको अब लग रहा होगा कि मैं चैन से सोया हूँगा, नहीं। कभी बार बार कोई गेट खोल रहा है, कभी कोई पंखा चला दे, पंखा बंद कर दे, कभी कोई एसी बंद कर दे, चैन से सोने नहीं दे, सोता हुआ देख नहीं सकता कोई इंसान मुझे। तेरे को ही कह रहा हूँ, तेरे को ही जो बोल रहा है मेरे से। आंटी क्या हो गया, आप नाराज वाराज चल रहे हैं बच्चों से? आपसे है ना, लौकी के कोफ्ते की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, यू डोंट नो। इसको सिर्फ इसको पसंद आ रही है। आंटी ने परसों पहले लौकी भेजी, पहले फली भेजी, फिर क्या करेले भेज दिए, लौकी भेजी, करेले भेज दिए, फिर फली भेज दी, अब आज लौकी भेज दी। मैं तेरी कसम बता रहा हूँ, मेरे को है ना, मेरे को है ना ये सब्जियां खाए हुए ना कम से कम नहीं तो 10 साल हो गए होंगे। सारी की सारी सब्जी, फली की फली की सब्जी मैंने नहीं खाई होगी 10 साल में, करेले की भी नहीं खाई होगी, लौकी की भी नहीं खाई होगी। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन आई हैव एवर सीन। मतलब ये पता क्या करता है, सिर्फ दाल चावल खाता है पूरे टाइम, वो हेल्दी होता है सुबह शाम सुबह। लौकी हेल्दी नहीं होती, यू गाइस आर स्टूपिड। कल फली की सब्जी आई तो भैया मैगी बनाई, मैगी बनाई खा ली थी इसलिए, क्योंकि वो मेरे को खानी थी। हां ये ले, मुझे तो मैं फली खाती हूं, तुम्हारे सामने फली नहीं खाई मैंने। हां तो कल क्यों नहीं खाई? अरे क्योंकि मैगी खाने का मन कर रहा था। देख लो कैसे बैठी है। क्या कर रही है ये? अरे बताना पता क्या कर रही है, अरे तू बताना, अरे बताना, अरे ऐसे क्या कर रही है यार? चल बता बता बता, ऑडियंस को तो पता क्या कर रही है, क्या कर रही थी बता। यार मैं फेशियल एक्सरसाइज कर रही थी, कर दी ना बीच में गड़बड़। फेशियल एक्सरसाइज कर रही है मैडम डबल चिन को कम करने के लिए। पालक लगा है लंच टाइम, आज क्या है खाने में? लौकी के, लौकी के कोफ्ते की सब्जी। कैसा कैसा गालू? कोफ्ते के लौकी की सब्जी। अच्छा है, यार मत दूर बना दे, उन्होंने पेपर दे दिया, प्लेट खत्म हो गया, कर दी, कोई धोता नहीं इसलिए। और मैं खा रहा हूँ दाल चावल और उसके ऊपर पनीर। ये आदमी जीवन में पहली बार बर्तन धो रहा है। पहली बार नहीं धो रहा, रोज धोता हूँ, वीडियो में देखा भी है, पहले वाले वीडियो में भी धोए मैंने। पहली बार आज इसने प्लेट अपनी खुद की खाई हुई कटोरी सब धोई, बताओ पहले बर्तन धो रहा है बिना बोले बर्तन धो रहा है। वापस से बीयर्ड बड़ी हो गई, लास्ट टाइम भी यशी ने सेट की थी और अभी भी मैं एक जनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी बीयर्ड सेट कर दो। हालांकि मैंने बेकार एक्टिंग की। मैम प्लीज मेरी बीयर्ड सेट कर दो। ओ क्यों भाई? ट्रिम में कर लूंगा, ट्रिम में कर लूंगा, बस ये सेट कर दे, बस लड़ बाद में लूंगा, पहले एक बार ट्रिम तो कर दे, जब अच्छे से ट्रिम नहीं करेगी फिर लड़ लूंगा। लास्ट टाइम बहुत अच्छी काटी थी इसने, यशी द बार्बर। अच्छा काटती हो यशी, आप अच्छा काटती हो। I'm gonna be putting some aloe vera gel on your skin ताकि कोई
कट के चांसेस नहीं हो और अच्छे से पिटने के चांसेस नहीं हो मेरे को और पीटेगा तू अभी ये सुखाना पड़ेगा ना थोड़ी देर हां बिल्कुल सीधी लाइन ना हां ठीक से हाउ आर यू फीलिंग डर लग रहा है डर क्यों लग रहा है पहले भी तो किया ही है ना मैंने किया लेकिन ये चुपता ना रेजर चुपता है वो तुम्हारे बाल इतने हार्ड है ना कि हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है एक ही कस्टमर है ले दे के दीदी के पास नहीं मेरे पास मिकुड़ी भी कस्टमर है तू भी कस्टमर है कालू भी कस्टमर है देखो लाइन लगी हुई है यहाँ पे कैसे बैठे नहीं देखो मेरी चमड़ी उखाड़ रही है मुझे ना बहुत शौक है मैं मेरी फ्रेंड का भी स्कूल में यही करती रहती हूँ तेरी बहन भी तेरी जैसी है चमड़ियाँ उतारती रहती हाथ पैरों की मैं ऐसे आता हूँ जिम से आता हूँ ऐसे पकड़ लेगी और ऐसे ना यहाँ से स्किन निकालती रहेगी पेट का तो सेटलमेंट हो जाता है ये कर देती है बालों का तो कुछ सतु नहीं है अब कैसे कटवाएंगे और पता नहीं कब तक नहीं ओपन होगा काल बाल काटू नहीं काल बाटू नहीं तो मैंने तेरी बियर्ड बनाई को मेरे पे विश्वास नहीं है बालों की बात अलग होती है ऐसे करके क्यों कट मत लगाने की कोशिश करना उस दिन चला रही थी ऐसे ऐसे चला रही हूँ तूने वो पट्टे पे बैठ कर बाल कटवाए तूने भी कटवाए क्या मेरी नानी के ना उनका खुद का नाई था वो मुझे उसके लेके जाती थी पट्टे वो था ना कुर्सी उसके ऊपर मेरे को इतना गंदा लगता था मैं सोचता था मैं मेरे को उस पर बैठाओ ना सीट पर उसपे वो पट्टा सा रख के उसके ऊपर बैठा मैं वो फंडे की लकड़ी लगी थी चुप गई थी गाइज अगर आपको भी अच्छे से दाढ़ी वगैरह ट्रिम करवानी है सेट करवानी है तो मैं यशी मैम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यशी मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में चला गया तो बस यशी मैम तो बिजी यशी मैम 24 घंटे बिजी हो जाएगी फिर अपन ब्लॉग में नई लड़की लेके आएंगे हां नई लड़की लेकर आएंगे जाके मुंह धो के आ चल एकदम सही ट्रिम कर दिया यशी तूने मस्त सेट कर दी ट्रिम तो मैं करूंगा अभी तूने सेट कर दी सही से करना ट्रिम करके आता हूं मैं चंदन किसने लग गया हां इसको घिसते घिसते हाथ दुख जाते हैं अच्छा रहता है ना स्किन के लिए वो ऑर्डर देके गया घिसो तो क्या करे घिसेंगे वो गैसून सो गया वो तो आज थोड़ी सी फ्री है तो आज थोड़ा सा स्किन केयर का भी देख लेते हैं हो गया आपका फेस रेडी रेडी हो गया उससे पूछ के आई वो लगा नहीं रहा है फोन में घुसा हुआ है तो मैं लगा लेती हूँ पूरी की प्यूरी इसकी जो भी है वो मैं ही ले लेती हूँ देखती हूँ अभी बच जाएगा तो जाके लगा दूंगी उसके लेटे लेटे की क्या करूँ पकड़ पहले आज मैं स्मार्ट ही बन जाऊंगा पूरा पहले बियर्ड सेट करो फिर चंदन लगवाओ फिर खूबसूरत बन जाओ मैंने आज इसमें हल्की सी मलाई भी ऐड की है हल्की सी मलाई से थोड़ा सा ऑयली हो जाता है ना फिर नहीं कुछ नहीं होता अच्छी होती है मलाई इसको मतलब मलाई ऐसे ऐड हो गई कि दूध में मलाई थी तो ये एक तरीके से ऐड हो गई इसमें देर रखना 15 मिनट था 15 मिनट सो जाना चाहिए इसको लगा के लेकिन लगा के 15 मिनट रखना नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा कितना सोऊंगा मैं सुबह सो ही रहा हूं चलो ये तो तू डिसाइड कर लिया तूने एक्सेप्ट तो किया कम से कम वाटरमेलन हम सबका फेवरेट हमने बेचारे अभिषेक के लिए छोड़ दिया थोड़ा सा ये भी बच गया इसलिए क्योंकि वो मारेगा हमारे को नहीं तो बचता नहीं है तो अभी टाइम हो रहा है 7:15 और अभी मैं और अभिषेक जाएंगे सबसे पहले वर्कआउट करने नीचे जिम में और उसके बाद ऊपर आके इन लोगों को वर्कआउट करेंगे तो आज हम करने वाले हैं एब्स का वर्कआउट इनका एब्स का वर्कआउट है मैं चेस्ट लगाऊंगा अभिषेक शोल्डर लगा रहा है आज क्योंकि कभी कोई छुट्टी कर लेते कभी कोई छुट्टी कर लेते इसलिए ओपन जो रहता है बाइसेप ट्राइसेप यहाँ पर कैसे लगाएगी तू देख लो गाइस बाइसेप देख लो इसकी मेरी तो कोई मतलब की नहीं दिखाने की इसकी बहुत ज़्यादा है एंड गाइज आप लोगों ने बोला था कि कैमरा वाला शूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको तो हम कैमरा से शूट कर रहे हैं और पता है क्या कमेंट आया था क्या? जैसा भी शूट हो रहा है होने दो अब तो बस शूट करके डालो रात को तो अब से हम कंटिन्यू जब लाइक मैक्सिमम वीडियोस में आपको रात का भी शूट मिलेगा रात की मस्ती भी देखने को मिलेगी ये रात को 2-2 बजे तक जगते तब तक शूट करूंगा कौन 2 बजे तक जगता है मैं तो नहीं जगती हाँ मतलब मैं अपना शूट कर लूंगा बस तो अभी मैं जाता हूँ पहले वर्कआउट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आके मिलता हूँ मैं आपसे मेरा वर्कआउट हो गया है और अभिषेक मेरे साथ वर्कआउट करने नहीं गया ये लोग अभी वार्म अप कर रहे हैं और ये तो सुबह से इलेक्शन देख रहा था फोन के अंदर और अभी मैच देख रहा है इसका फोन ही नहीं हट रहा सुबह से तो क्या करूँ क्या करूँ एक्सरसाइज करने क्यों नहीं गया है संडे को एक्सरसाइज करता है अपन करते हैं वार्म अप चल रहा है आज एप्स लगाएंगे मैं तो पता ही नहीं क्या कर रही हूँ इकुटी कैसे कर रही जब ऐसे अरे नॉर्मली करना है ये दोनों मैट हमने ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद निकाली है पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब लेकर आए थे हम होम वर्कआउट के लिए और आज निकाली बताओ स्टार्ट शाबाश यार ये क्या हो रहा है कोई खड़े हो जाओ यार हां कहां से खड़ा होना यार 23 24 चल बिगड़ी लास्ट क्या कर रही है क्या कर रही है अरे कैसे करना है
हमारी ऐसी एक्सपर्ट हो गई है एक्सरसाइज करते करते। शाबाश, चलो प्रैंक करेंगे। प्रैंक प्रैंक सही है यार, प्रैंक करेंगे। प्रैंक अच्छा। ए क्या कर रही चीयू? क्या कर रही? उनके जैसे करना है क्या? करना है क्या? अच्छा वैसे कितने में हो? ये गिर गई। कहां? कितना टाइम हुआ? 1 मिनट। ओके स्टॉप। मैंने पूरे 15 सेकंड किया। लेट 15 सेकंड क्या, 2 सेकंड हो गया मैं लेट स्टॉप करने में। वेरी गुड। यशी कोशिश कर रही है कि इस लॉकडाउन में वो पूरी फुल स्ट्रेचिंग खोल ले, तो लेट्स सी आज की प्रोग्रेस देखते हैं। ओ नाइस। हो गया ना? नहीं नहीं, थोड़ा सा बाकी है अभी बस। ऐसे वो ग्रीन टी पी रहा था, बर्फ डाल के। बर्फ डाल के कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है कप में। ये सिर्फ हमारे घर में देखने में, क्योंकि हमारे डिस्पोजल के ग्लास खत्म हो गए, बाकी ग्लास हमारे पास है नहीं, तो यही बचा पीने के लिए। ये पागल हो गए हैं, ये ना रात को भूतों की बातें कर रहे हैं। भूत तो मैंने देखा था। ये लो, सामने बैठा है। अरे वो तो जो मैंने दीदी देखा सामने ऐसे बैठी थी, बैठे बैठे ही हो गई ना। मैं क्या होगा, बोली सबको मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे। मैं पहली बार देखा, मेरी फट गई भाई। मैं बगल में बैठा था, फिर बड़ी मम्मी मेरी बोले बेटा कुछ बोलना, मैं शांति से बैठा रहना बस। मैं और बोले इनकी तरफ मत देखना, मैं नीचे ही देख रहा था, वो भी ऐसे ऐसे कर रही, फिर मुंडू उठा रही मेरी, फटी पड़ी भाई। और अगले दिन वो भाग गई, और अगले दिन टिकट कटाई और वापस घर। अरे रुको ना, जैसे अभी अपने सामने कोई दिख रहा है, अब आगे पर आगे चलते तो शीशे से पीछे दिखता तो कोई नहीं होता, कोई होता है कम पिक्चर देखा करो तुम लोग। ये लिफ्ट देने वाली सीन है ना, मैंने बहुत लोगों से सुनी है। हाँ, पहले के टाइम के बहुत लोगों से सुनी है कि हमने लिफ्ट मांग रही थी कोई औरत हमसे और ऐसा करके। हमारे घर पे किराएदार थे, वो ही बता रहे थे, वो साइकिल से जा रहे थे, बोले एक बूढ़ी औरत मुझसे लिफ्ट मांगी थी, तो मैंने उनको लिफ्ट दे दी। और थोड़ी देर दूर जाके उन्होंने उतार बोला, बेटा उतार दे मेरे को। फिर वो खुद ही बोली कि ना मेरे एक बार पैर देख ले ऐसे करके, मेरे रोक दे खड़े हो रहे भाई तेरी कसम। मामा आ रहे थोड़ा सा खड़ा हुए भाई, देखो बताई थी कहानी मेरे को, ऐसा डरा रही चुड़ैलों की तरह रात को, पता नहीं जैसे क्या हो गया। गुलाब जामुन खाने वाले नहीं थे पहले? क्या बोलते हैं, एक लड़का जाए गुलाब जामुन, थैली में गुलाब जामुन लेके जैसे घर पे पहुंचे गुलाब जामुन खाने। कितनी डरावनी यार, कितना डर लगा होगा ना उसको जिसके गुलाब जामुन गायब हो गए। सो ही नहीं पाया होगा वो बेचारा, खा गया साले। तो कोई घर वालों को बोल दे मतलब पापा वो है ना भूत खा गया तेरी। कैसे देखो चुड़ैल, मीना चुड़ैल, ये देखो ये चुड़ैल हम रोज देखते हैं, मीना चीना चुड़ैल हो गई। भूतों की बातें सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन है ना बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर भी लगता है। और ना फिर है ना एक थोड़ा तो जाता है। हाँ इंटरेस्ट आता है, सुनते रहते हैं ना थोड़ा सा, एक भी मतलब टॉयलेट करने भी जाओगे ना तो ऐसा लगेगा भाई इधर कोई चल रहा है, पीछे कोई है। किसी दिन पक्का से बैठ कर है ना अच्छे से बात करेंगे भूतों की। आप लोग भी है ना थोड़ी बहुत कहानियां बताना आपके भूतों की, सबने सुनी होगी कुछ ना कुछ, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसी कैसी कहानियां सुनी है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय गाइस।